हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक में मूवमेंट बाकी है, तो चलते हैं इस वीडियो में। तो अभी जो स्टॉक बात करेंगे उजीवन बैंक का जो स्टॉक है 206 में होल्ड कर रखा है, क्योंकि वो बहुत दिन से गिरावट के साथ तो अभी होल्ड हुआ है। तो 206 यानी 200 के पास स्टॉप लॉस रख के इसको टारगेट 220 तक ले सकते हैं, यानी 20 पॉइंट का इसको टारगेट ले सकते हैं और CNC में कैश एंड कैरी में होल्ड करके रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 195। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसमें आने वाला समय में बहुत बढ़िया मूवमेंट बाकी है। तो दूसरा जो स्टॉक है आरबीएल बैंक का बहुत बड़ा मूवमेंट है, अभी ब्रेकआउट देने वाला है। यू पटन बना के अभी ब्रेकआउट दे रहा है, 223 पे होल्ड कर रखा है। अभी आपका स्टॉप लॉस रहेगा 200, स्टॉप लॉस यानी होल्ड के लिए स्टॉप लॉस रखा है CNC में। ऐसे ही स्टॉप लॉस नहीं जरूरत तभी है जब इंट्राडे आप करते हैं, तो CNC में हम होल्ड करते हैं तो आपको 200 स्टॉप लॉस रख के 223 में अभी टारगेट है। अभी आपका टारगेट 250 तक जा सकता है आराम से, यहीं से बहुत बड़ा मूवमेंट बाकी है। तो ये रहा RBL बैंक और UG1, ये दोनों में ट्रेड करिए, आराम से प्रॉफिट कमाइए आराम से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।